भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय भवानी जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 भवानी। हिंद विश्व राज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। मंचावर उपस्थित हम सभी के लाडले नेता, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपेश तांजल जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और जिनका भाषण सुनने के बाद रूपाला जी ने कहा ये तो एक्सपोर्ट क्वालिटी मटेरियल है, ऐसे हमारे भाई महेश गावित जी, विजयाते राहतकर, हमारे दमन के सांसद लालू भाई पटेल, हमारे पूर्व सांसद नटू भाई पटेल, गुजरात के पूर्व मंत्री गणपत भाई वसावा, पीयूष भाई देसाई, शंकर भाई चौधरी, जीतू भाई चौधरी, सतु भाई चौहान, राकेश जी चौहान, दिग्विजय जी परमार, सीताराम जी गौरी, रघुनाथ जी कुलकर्णी, अजय जी देसाई, संजय जी राउत, जीतू भाई माढ़ा, वसुभाई पटेल। मंच पर उपस्थित हमारे सभी मान्यवर नेतागण और यहां पर उपस्थित हमारे सभी बहनों और भाइयों, 30 तारीख को लोकसभा का चुनाव होने वाला है। वैसे तो ये चुनाव नहीं आता तो ज्यादा अच्छा होता, किंतु जो भाग्य में लिखा होता है वैसी घटनाएं दुर्दैव से कभी कभी घट जाती है, और इसी कारण से यहां पर इस चुनाव का आयोजन हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, देश की लोकसभा का ये चुनाव है। इस चुनाव में हम जिनको चुनकर भेजने वाले हैं, हमारा भाग्य, हमारा भवितव्य बदलने की क्षमता रखने वाला इस प्रकार का एक नेता चुनकर भेजने की का अवसर इस चुनाव के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। हमने देखा पिछले 7 सालों में देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार काम कर रही है, और इस सरकार ने इस देश में एक बड़ा परिवर्तन लाया। देश में पहली बार एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का एजेंडा लेकर मैदान में उतरे, गरीब कल्याण की योजनाएं तैयार की, और केवल योजनाएं तैयार नहीं की, उन योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, जब देश के प्रधानमंत्री बने तो लोगों ने कहा गुजरात में तो ठीक था पर ये देश में संभव नहीं हो पाएगा, पर मोदी जी ने देश में भी वो संभव करके दिखाया। न खाऊंगा न खाने दूंगा, गरीब का एक एक पैसा गरीब तक पहुंचाने का काम
मोदी जी के माध्यम से हुआ। इससे पहले भी गरीबों की बातें की जाती थी, चुनाव आता था तो गरीबी हटाओ के नारे लगते थे, चुनाव आता था तो गरीबों से वादे किए जाते थे, मजदूरों से वादे किए जाते थे, छोटे किसानों से वादे किए जाते थे, खेतीहर मजदूरों से वादे किए जाते थे। लेकिन चुनाव के बाद उनको कोई याद नहीं रखता था। मोदी जी ने पहला काम ये किया, गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाओं के साथ साथ ये योजनाएं गरीबों तक पहुंचने का एक माध्यम भी मोदी जी ने तैयार किया। आपको याद होगा, एक जमाने में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था, मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं तो आखिरी आदमी तक केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भाई साहब, ये वो सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है। एक रुपया दिल्ली से चलता है तो सीधा गरीब के खाते में पूरा 1 रुपया पहुंचता है। अब कोई दलाल नहीं है, अब कोई बिचौलिया नहीं है, कोई पैसे मारने वाला नहीं है। अरे मोदी जी की एक एक योजना देखिए। मोदी जी ने गरीबों को मकान देने का वादा किया तो प्रधानमंत्री आवास योजना आई। प्रधानमंत्री आवास योजना में सीधे गरीबों के खाते में पैसे जाते हैं, बाबू के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, तहसीलदार के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, किसी को 10-15-20% पैसा नहीं देना पड़ता, आपके हिस्से का पैसा सीधा आपके खाते में आता है। और मेरा विश्वास है 2022 के समाप्त होते होते हमारे दादरा नगर हवेली में एक भी गरीब, एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़ा ऐसा नहीं रहेगा जिसका अपना पक्का खुद का मकान नहीं। हर एक को पक्का मकान भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार देगी। मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, महाराष्ट्र में 5 वर्षों में 10 लाख मकान हमने तैयार किए। आपसे लगा हुआ पालघर है, जाकर देखिए, पालघर में हमारे आदिवासी बंधु बसते हैं। आदिवासियों के लिए हमने मकान का डिजाइन ऐसा तैयार किया, क्योंकि हमारे आदिवासी जो है उनको मकान के इर्द गिर्द थोड़ा आंगन भी लगता है, उनका मकान एक अलग प्रकार का होता है, उनके लिए उसी प्रकार का मकान हमने तैयार किया। और जो लोग मिट्टी के घर में रहते थे आज मजबूत घरों में रहते हैं, और उनके घर में जाने के बाद उनके चेहरे पर जो आनंद हमको देखने को मिलता है, मैं ऐसा मानता हूं वो किसी भी पद से बड़ा है, और ये मोदी जी ने करके दिखाया है। और यहाँ पर भी चाहे वो शहर हो, चाहे सुदूर हमारा इलाका हो, कि जहां पर हमारे आदिवासी भाई बैठते हैं, खानवेल के गांव में, जहां पर जंगल के इलाकों में, जहां पर हमारे जनजाति के लोग बैठते हैं, वहां पर भी मोदी जी का विकास पहुंच रहा है, पहुंचने वाला है, और वहां पर भी लोगों के जीवन में परिवर्तन होने वाला है। लेकिन बंधुओं, एक बात ध्यान में रखिए, मोदी जी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी ने मकान देते समय किसी को जात नहीं पूछी, किसी को धर्म नहीं पूछा, किसी को पंथ नहीं पूछा, किसी को भाषा नहीं पूछी, केवल इतना पूछा, तू गरीब है, कच्चे मकान में रहता है, तो ये तेरा पैसा है, मैं तेरे तक पहुंचाना चाहता हूँ, तू चाहे किसी भी जात का हो, धर्म का हो, भाषा का हो, पंथ का हो, सभी गरीबों को साथ में लेकर चलने वाले नेता। मोदी जी ने जब गैस सिलेंडर दिया तो किसी को जात धर्म नहीं पूछा, जो गरीब था उस तक गैस पहुंची, जो गरीब था उस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची। और आज हम लोग देख रहे हैं, आज हर गरीब तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। हम लोग देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज हर गरीब को मुफ्त में मिलने वाला है। 5 लाख तक का इलाज
चाहे फिर ऑपरेशन हो, चाहे दवाई हो, चाहे हॉस्पिटल का एडमिशन हो, चाहे हॉस्पिटल के ऑपरेशन से बाहर आने के बाद महीनों तक दवाई हो, इंजेक्शन हो, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मोदी जी मुफ्त में दे रहे हैं। लेकिन कोई सवाल ये पूछ सकता है कि मोदी जी इलाज तो मुफ्त में दे रहे हैं, पर वो इलाज लेने के लिए हम जाए कहां, उसकी भी व्यवस्था मोदी जी ने कर दी। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी दे दिया, नर्सिंग कॉलेज भी दे दिया, 1000 बेड का हॉस्पिटल भी दे दिया, और सुदूर हमारे ग्रामीण इलाकों में 100 बेड का हॉस्पिटल दे दिया। अरे जो 60 साल में हमारे दादरा नगर हवेली के लोगों तक नहीं पहुंचा था, मोदी जी ने 7 सालों में वो पहुंचा के दिखा दिया। ये मोदी जी का शासन है, प्रशासन है, और ये अंतर है। इस देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति मोदी जी ने तैयार की, जिसमें हर व्यक्ति के लिए जगह है और देश के अंतिम व्यक्ति को पहली पंक्ति में लाने का सपना मोदी जी ने देखा, और आज वो परिवर्तन हो रहा है। हम देख सकते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे गरीबों को अधिकारिता देने का विषय हो, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हर एक तक वो योजना पहुंच रही है। आज मुद्रा जैसी योजना के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर स्वयं रोजगार लोगों को मिला, और उसमें बड़े पैमाने पर महिला है, उसमें बड़े पैमाने पर पिछड़े है, उसमें आदिवासी है। एक प्रकार से भारत के संविधान में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमको सारे अधिकार दिए थे, किंतु सत्ताधीशों ने हमारे अधिकार छीन लिए थे। सत्ता के गलियारों में चंद लोगों का प्रवेश होता था, सत्ता के गलियारों में केवल उंगली पर गिनने लायक लोग हमारे सारे अधिकार हथियार लेते थे, सत्ता के गलियारे में केवल भ्रष्टाचार चलता था। ये सत्ता का गलियारा आम आदमी के लिए अगर किसी ने खुला किया, तो उस व्यक्ति का नाम भाई नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने आम आदमी के लिए सत्ता का गलियारा खुला किया। और इसलिए ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये पंचायत का, जिला पंचायत का चुनाव नहीं है, ये कोई हमारी नगर पालिका का चुनाव नहीं है, देश की लोकसभा का चुनाव है। और देश की लोकसभा में अगर मोदी जी के साथ चलने वाला व्यक्ति हम नहीं देंगे, तो विकास तो आएगा, पर डबल इंजन वाला विकास नहीं आएगा। जहां पर सांसद भी हमारा, जहां पर प्रधानमंत्री भी हमारे, ऐसा डबल इंजन लग जाता है, वहां पर विकास की गति बढ़ती है और विकास दुगनी तेजी से होता है। हमारे प्रत्याशी महेश भाई गावित को हमने देखा, ये पूर्व सिपाही है, इस सिपाही ने अलग अलग जगह पर काम तो किया ही है, लेकिन देश में जब प्राकृतिक आपदा आई, उस प्राकृतिक आपदा में अपने जीवन की परवाह न करते हुए काम करने वाला ये महेश भाई गावित आज हमारे सामने एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा है। और विचार स्पष्ट है, जितनी स्पष्ट है, मोदी जी के राह पर चलने की ललक है, मोदी जी की राह पर चलने के लिए बेकरार है, लेकिन उनको भी आपके इंजन की मदद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद अगर मिलेगा, तो ये हमारा महेश भाई सीधा दिल्ली पहुंचेगा, और दिल्ली पहुंचेगा तो आप जैसे सामान्य लोगों के लिए वो काम करेगा, मेरे आदिवासियों के लिए काम करेगा, मेरे शहरों में रहने वाले सभी लोगों के लिए काम करेगा। और हमने उनके भाषण से एक झलक देखी है, अब उनके काम की झलक भी हमको देखना है। दोस्तों, यहाँ पर तो अलग ही राजनीति चल रही है। कुछ लोग लाशों की लहरों पर यहाँ पर बैठकर राजनीति करना चाहते हैं। जो हुआ उसका हमको दुख है, लेकिन उसके साथ साथ ये शिवसेना की अवसरवादिता देखिए कि वे किस प्रकार से अवसरवाद करते हैं, और दुख को भी भुलाने की कोशिश शिवसेना के माध्यम से होती है। लेकिन याद रखिए, मैं महाराष्ट्र से आता हूं और भुक्तभोगी हूं, मोदी जी का नाम ले लेकर चुनकर आए थे और कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर बैठ गए,
ये लोग केवल अवसरवादी लोग हैं, अवसरवादी। जब इनको चुनाव लड़ना होता है तो मोदी जी याद आते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो केवल सत्ता याद आती है। अरे हमारे महेश भाई तो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं आपको एक साफ सुथरी सरकार देने के लिए, एक साफ सुथरी छवि देने के लिए, एक साफ सुथरा इस प्रकार का सांसद आपको देने के लिए। लेकिन जो पार्टी हमारे सामने लड़ रही है शिवसेना, उसका मुंबई का इतिहास देखिए, जिस प्रकार से वहां पर उनका कार्य चल रहा है, जिस प्रकार का एक्सपेंशन हमको दिखाई देता है। महाराष्ट्र की सरकार अब सरकार नहीं है, वो एक्सपोर्शन की सरकार है, और वही एक्सपोर्शन यहाँ दादरा नगर हवेली में वो लाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे लोग आपको चाहिए जो यहाँ आकर वसूली करे? क्या वसूली सरकार दादरा नगर हवेली में आप चाहते हो? भाई अरे दोनों से बोलिए, नहीं चाहते तो फिर उसका इलाज करिए। जो वहां है उनको वहीं रखिए, उनको यहाँ पर आने मत दीजिए। यहाँ आएंगे तो नाम तो महाराज का लेंगे, लेकिन काम मुगलों का करेंगे। इसलिए याद रखिए, उनको यहाँ पर आने मत दीजिए। यहाँ पर केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी महेश भाई गावित को आप चुन कर दीजिए। और मैं आपको वादा करता हूँ, महेश भाई को आप भेज कर देखिए, आने वाले 3 वर्षों में जिस प्रकार से विकास की गति आपको देखने को मिलेगी, आप भी उसको देखकर चौंक जाएंगे। इतनी गति के साथ विकास होगा, और इस विकास की यात्रा में शामिल होने के लिए आने वाले 30 तारीख को आप कमल का बटन दबाकर महेश भाई को जिताइए। इतना ही आप सभी से निवेदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।